अगर हम देखें तो सूचना का अधिकार कानून जो 2005 में पारित हुआ, हर साल हमारे देश में 40 से 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशन लगाई जाती हैं, जो कि पूरे विश्व में शायद सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में आरटीआई जैसे कानून यूज़ हो रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है इस कानून का। और ये जो कानून का इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है वो बहुत ही वाइब्रेंट इसलिए भी है और अलग इसलिए भी है बाकी देशों से, क्योंकि ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ज़मीन पर रहने वाले आम नागरिक कर रहे हैं। ये इस कानून का इस्तेमाल दूसरे देशों में देयर लॉयर्स, देयर एकेडमिक्स, देयर आर रिसर्चर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल हु आर यूजिंग दिस लॉ, बट इन इंडिया इट्स रियली द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड हु आर यूजिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आई रिमेंबर हम लोग जब सूचना का अधिकार कानून आया और हम बस्ती में गए जहाँ पे हम काम करते हैं, और हमने लोगों को कहा आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत ही बढ़िया कानून आया है, तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा राशन तो मिलता नहीं है, सूचना का क्या करेंगे। एंड वी रियलाइज दैट पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, दे वॉन्ट इंफॉर्मेशन इफ इट हेल्प्स देम इन देयर स्ट्रगल्स टू एक्सेस देयर राइट्स एंड देयर एंटाइटलमेंट्स विच हैव बीन डिनाइड टू देम ड्यू टू वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग करप्शन। मुझे याद है कि दो महिलाएं, सुनीता देवी और जरीना बेगम, इन्होंने कहा कि बताइए इसमें कैसे इस्तेमाल हो सकता है। सो वी आस्क्ड देम, वी सेड क्यों नहीं मिलता है राशन, उन्होंने कहा दुकानदार कहता है आपके नाम का राशन ही नहीं आया। सो वी सेड आप आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एंड बोथ ऑफ देम अग्रीड दैट हम करेंगे आरटीआई एप्लीकेशन फाइल, एंड दे फाइल्ड एप्लीकेशंस टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द राशन शॉप्स, टू एक्सेस द स्टॉक रजिस्टर ऑफ द राशन शॉप, द सेल रजिस्टर ऑफ द राशन शॉप, and as soon as they filed these applications, within a few days they started getting these visits from the goons of the area, from the ration mafia to their homes, saying that we've heard aapne ye information mangi hai aur aap ye apni information ki request withdraw kar lijiye, because agar aap nahi karenge to hum aapko Delhi mein to nahi rehne denge। Many of them landed up at their homes, got blank affidavits signed and said that अब अगर आप सूचना लेंगे तो हम इस पर लिख देंगे कि आपने झुग्गी अपनी बेच दी है हमें और आपको हम यहाँ से निकलवा देंगे। Because it was a collective effort and the decision was taken collectively, they persisted. And when the records came out, the stock registers clearly showed that every month ration was reaching the shops. So there were people who hadn't received any ration for years, and here there were records showing that every month ration was reaching the shops, and clearly people said that till now we thought there was corruption, but for the first time we have proof of corruption, and they started using that information to file complaints, to do public hearings, because of which there was action initiated against the shopkeepers, against senior officials, and most importantly everyone started getting their ration supplies and their full ration supplies, because there was an understanding that if people had access to information they could expose corruption. Now naturally when this sort of thing is happening there is a backlash, because over the decades there has been ek tarika raha hai chori hone ka, bhrashtachar hone ka, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ लिखा होता है जो लोगों के पास कभी नहीं पहुंचता है, लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं होता है सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करने का, एंड देयरफॉर देयर हैज़ बीन अ ह्यूज बैकलैश, एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ हैज़ नॉट जस्ट बीन यूज्ड बाय पीपल टू एक्सेस देयर बेसिक राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स लाइक राशंस एंड पेंशंस, बट लाइक वेंकटेश सेड, इट हैज़ बीन यूज्ड टू क्वेश्चन द हाईएस्ट ऑफिसर्स ऑफ द लैंड। तो लोगों ने सूचना का इस्तेमाल किया है माइनिंग के अंदर जो स्कैम्स हो रहे हैं, लैंड ग्रैब हो रहा है, डिफरेंट टाइप की राइट्स का जो हनन हो रहा है, उन सब चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए, उनके ऊपर सूचना निकालने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल हुआ है। लोगों ने सवाल पूछे हैं कि जो हमारी जुडिशरी है, जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ की हमें कॉपीज चाहिए हैं। लोगों ने सवाल पूछे हैं कि अगर हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो कहते हैं कि ये है तो उसकी हमें कॉपी दीजिए। तो ये तरीके के जो सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं और आम नागरिक इस देश के पूछ रहे हैं, वो एक तरह की अकाउंटेबिलिटी जो ला रहा है ये कानून,
वो पसंद नहीं है उन लोगों को जो कि ट्रेडिशनली हैव बीन यूज टू हैविंग इंफॉर्मेशन ऑल टू देमसेल्व्स और जिन्हें आदत नहीं है कि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए. और हम बार बार सुनते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर, बट वी आर एक्चुअली सीइंग हाउ दैट स्ट्रगल फॉर पावर इज टेकिंग प्लेस ऑन द ग्राउंड व्हेन पीपल आर असर्टिंग देयर राइट, यूजिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन. एंड उस समय पर किस तरीके से जो ट्रेडिशनली होल्डर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन है उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है और उसको देते समय वो किस तरीके के हथकंडे अप्लाई कर रहे हैं कि लोग सूचना मांगे ही नहीं. अब एक चीज़ तो ये है कि जो लोग सूचना मांग रहे हैं, सूचना मांगने के लेवल पर उसी समय पर लोगों पर अटैक हो रहे हैं, लोगों को थ्रेट्स आ रहे हैं कि आप सूचना मत मांगिए, मारपीट हो रही है लोगों से. और मुझे लगता है कि जो आंकड़े हमारे पास हैं, चाहे वो NCPRI हो, CHRI हो, वो आंकड़े मुझे लगता है कि हम सही से कैप्चर भी नहीं कर पाए क्योंकि वो इतने प्रेविलेंट है. जहाँ पे भी लोग RTI का इस्तेमाल करके इनकन्वीनियंट सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं, सूचना बाहर निकाल रहे हैं, वहाँ पर उनके ऊपर ज़रूर दबाव आ रहा है, उनके ऊपर ज़रूर मारपीट हो रही है और मीडिया उसको कवर भी नहीं कर रहा है. तो हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो मुझे लगता है कि इस मापदंड में तो बिल्कुल भी हम उन पर ना जाएँ क्योंकि इस तरीके के थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री आर बींग सब्जेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ अटैक्स एंड वायलेंस. बट दूसरी टाइप का जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जो हमारे सामने आंकड़े भी आते हैं कई बार और नज़र भी हम सबके और जहन में भी आता है, वो है जब अटैक्स इतने गंभीर हों कि वहाँ पर हत्याएं भी हो रही हैं. तो जैसे वेंकटेश ने कहा, 70 से ज़्यादा लोगों की, मोर देन 70 पीपल हैव बीन किल्ड इन आर कंट्री इन द लास्ट 13 ईयर्स फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन which they have actually used in most of these cases. These are people who have not just accessed information, they have then gone on to blow the whistle on corruption, file complaints using that information. So I'm now making a slight distinction between those attacks that happen when people are just asking for information, and then when that information is being used, the attacks that then happen, which we find are many a times far more serious and also result in what we typically see as murders of RTI activists. Aur iske andar bahut lambi list hai aur bahut hi sharmnak list hai, but I think we have people here who have first hand experience of losing their family members, of facing these kind of attacks on themselves. लोगों के ऊपर बेबुनियादी झूठे मुकदमे जारी किए जाते हैं जो सालों साल चलाए जाते हैं. किसी पे हत्या का मुकदमा होगा, किसी पे अलग अलग तरीके के केसेस ठोके जाते हैं. सो दीज पीपल आर गोइंग टू बी हैव पैनलिस्ट्स हु आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, बट वेरी ब्रीफली दीज आर पीपल हु आर यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव एक्सेस टू एक्सपोज करप्शन from the lowest to the absolute highest level, because it is really about the nature of corruption in our country which goes down to the lowest level, jahan pe 1000 rupees ki bribe mange bagair aapka ration card nahi banega, aapko pension nahi milegi, aapko pani ka connection nahi milega, jiski ladai log suchna ke adhikar kanun se lad rahe hain, to the highest level jahan pe log बिल्कुल बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स जो हो रहे हैं, चाहे वो आदर्श स्कैम हो, चाहे वो CWG हो, चाहे वो कोई और टाइप का भ्रष्टाचार हो, उन सबको एक्सपोज कर रहे हैं. नाउ हमारा मानना ये है कि सूचना के अधिकार कानून ने हमारे देश में एक पूरी 1.3 बिलियन लोगों की विसल ब्लोअर्स की फौज खड़ी कर दी है. बिकॉज अभी तक ट्रेडिशनली विसल ब्लोइंग वॉज डन बाई पीपल हु वर प्रिवी टू इंफॉर्मेशन विद इन द गवर्नमेंट. उनके पास फाइल होती थी, वो देखते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है और बाहर जाके भ्रष्टाचार को वो उजागर करते थे, वो सरकारी अधिकारी होते थे. जब से सूचना का अधिकार कानून आया है, देश के हर नागरिक को वो फाइल के एक्सेस मिल गया है. तो एक तरह से ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज़ अ पोटेंशियल विसल ब्लोअर टूडे. And what we are seeing by way of the attacks on RTI users is also that we need to look at it in the larger context of attacks on whistleblowers.
एंड यही कारण है कि दो तरीके की मांगे उठी हैं विसल ब्लोअर्स को. यदि हमें लगता है दैट हैज़ टू बी अ रेमेडी फॉर सम ऑफ दिस, देर आर एटलीस्ट टू काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर नेसेसरी. द फर्स्ट इज कि अगर हम एनालाइज करें कि लोग किस तरीके की सूचना मांग रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अटैक्ड आर एक्चुअली आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन विच द गवर्नमेंट शुड हैव प्रोवाइडेड प्रोएक्टिवली. धारा 4 जो सूचना के अधिकार कानून की है उसमें लिखा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सूचना लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी सूचना जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो कि लार्जर पब्लिक रिसोर्सेज से संबंधित है. तो यदि सूचना हम देखें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, पेंशंस की, हम देखें बहुत सारे दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट सरकार दे रही है, ये सारी सूचना सरकार को खुद ब खुद लोगों को मुहैया करानी होती है. अब सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट इज परहैप्स द वर्स्ट इम्प्लीमेंटेड सेक्शन ऑफ द लॉ. हमारे देश में धारा 4 की जो 93 है वो बहुत ही अपंगु है, मतलब बिल्कुल भी सही से सरकारें, कोई भी सरकार हो, वो इसके ऊपर गौर नहीं कर रही है. और उसका कारण क्या होता है कि जब कोई जाके उनको सूचना चाहिए है, उन्हें सामने आके एप्लीकेशन लगानी पड़ती है. सो इफ़ आई वॉन्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग विच शुड हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर द आरटीआई लॉ, इट इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, आई हैव नो चॉइस बट टू एक्चुअली फाइल एन एप्लीकेशन, एंड द मोमेंट आई डू इट आई एम आइडेंटिफाइड एंड आई एम टारगेटेड. सो एक पहला जो डिमांड शुरू से आ रहा है फ्रॉम द आरटीआई कम्युनिटी इज दैट सेक्शन 4 ऑफ द लॉ नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, विदाउट विच वी विल कंटिन्यू टू सी दीज अटैक्स हैपनिंग ऑन पीपल. दूसरी चीज, हम लगातार इंफॉर्मेशन कमीशन से कह रहे हैं कि यदि कोई आपके पास आके कहे कि हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं तो आप तुरंत उस सूचना को देखिए, अगर वो पब्लिक हो सकती है तो आप उस इंफॉर्मेशन को मुहैया करा दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, उस सूचना को वेबसाइट्स पे दलवा दीजिए. धारा 4 कहती है कि इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड अवेलेबल इन द मोस्ट एक्सेसिबल वेज. बोर्ड्स लगा सकती है सरकार, वॉल पेंटिंग्स करा सकती है. तो हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पर लोगों के ऊपर अटैक्स होते हैं और वो कमीशन तक पहुँचते हैं तो कम से कम कमीशन ये कहे कि ये सूचना तुरंत आप पब्लिक कर दीजिए. इसके पीछे कारण ये है कि द रीज़न वाई पीपल आर बीइंग अटैक्ड इज जिससे कि वो सूचना ना मांगे. दिस विल बी अ डेटरेंट. लोगों को ये लगेगा मैं सूचना इनके ऊपर अटैक करेंगे हम आरटीआई एप्लीकेंट पे कि आप सूचना मत मांगिए, तो उससे तो सार्वजनिक हो जाएगी हमारी सूचना. सो इट विल बी अ डेटरेंट ऑन द काइंड्स ऑफ अटैक्स दैट आरटीआई यूजर्स आर फेसिंग. द अदर थिंग विच इज ऑल्सो नेसेसरी एंड वी आर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट अनोनिमिटी इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एन आरटीआई यूजर. आप अगर सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन लगाते हैं, आपको अपना नाम देना है, आपके पास कहाँ पे सूचना पहुँचे, कई जगह पे आपको प्रूफ करने को भी कहा जाता है, आप सिटीजन हैं कंट्री के, तो अनोनिमिटी का तो कोई सवाल नहीं है. But what is it that can be done to protect those who even use that information to expose corruption? और इसी कारण से RTI जो users है और National Campaign for People's Right to Information has been at the forefront of also demanding an effective whistleblower protection law. और वो जो whistleblower protection law है, कानून है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया चली. शुरुआत उसकी सत्येंद्र दुबे के मर्डर से हुई, लेकिन फाइनली जब 2014 में कानून पारित हुआ उसमें बहुत ज़बरदस्त डिमांड आरटीआई यूजर्स से भी आई, क्योंकि उस कानून में पहली बार देर इज़ अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ अ विसल ब्लोअर. एंड अपार्ट फ्रॉम द मेनी अदर थिंग्स दैट द लॉ प्रोवाइड्स फॉर, एंड देर आर ऑफ कोर्स लाइक इन ऑल अदर लेजिस्लेशन देर आर ऑल्सो ड्रॉबैक्स, बट वन ऑफ द वेरी पावरफुल थिंग्स इज दैट इट गिव्स द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द पावर टू गिव प्रोटेक्शन टू समवन हु इज बीइंग विक्टिमाइज और हु इज बीइंग थ्रेटन्ड एंड हुज लाइफ इज अंडर थ्रेट. अब अगर आप देखेंगे एक के बाद एक केसेस जहाँ पर आरटीआई यूजर्स की हत्या की गई है, वो हर इंसान, मेरे ख्याल से 90% ऑफ द केसेस पीपल हैव गॉन एंड एक्टिवली सॉट पुलिस प्रोटेक्शन. लोगों ने जाके उनके ऊपर पहले अटैक में ज़्यादातर उनकी हत्या नहीं हुई है. अगर आप नंदी सिंह का केस देखें जिनको असम में 40 बार हैक करके उनकी हत्या की गई,
आप अगर वाल्मीकि यादव का केस देखें, राजेंद्र सिंह का केस देखें जो कि बिहार में हाल ही में हत्याएं हुई हैं, आप भूपेंद्र वीरा का केस देखें, ये सब लोगों के ऊपर अटैक्स पहले हुए, इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन सीख की और पुलिस ने पूरी इम्प्यूनिटी से इनको प्रोटेक्शन देने से मना किया। अब हम मानते हैं कि दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग एंड लाइक एनी अदर सिटीजन दे शुड हैव गॉट protection, but ऐसा हो नहीं रहा। And here we have to be cognizant of the fact that these people are stepping beyond their own personal interests, or they are in a sense conscience keepers of society. They are coming forward because वो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, and therefore in the law there is a recognition कि अगर कोई ऐसे whistle blower हैं और वो आके कहते हैं कि उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और लगता है कि threats real हैं, तो उनको protection दी जाएगी, including police protection. Unfortunately, in the last 4 years, more than 4 years since the law has got passed, this law has not been implemented by our government. So I'm going to just take 2 minutes, Venkat, if I may, to really talk about the current context of what we are seeing by way of protection of whistleblowers. And I think that the story is rather dismal. ज़रूरत क्या थी कि सरकार, जो स्पेशली ऐसी सरकार जो इसी बात पे पावर में आई कि हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं और हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो एक अपेक्षा ये थी कि ये सरकार ऐसे तमाम कानूनों को और ऐसा फ्रेमवर्क सेट करेगी जिससे कि एंटी करप्शन और ग्रीवेंस रिड्रेस के जो सारे लेजिस्लेशंस हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे, जिसमें हमें लगता था सूचना का अधिकार कानून का एक अहम हिस्सा है उसका, और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी एक अहम हिस्सा है उसका। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी हैव सीन थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू एक्शंस, द गवर्नमेंट हैज़ रियली बीन पुशिंग बैक ऑन द इंटायर डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ एंटी करप्शन दैट वी ऑल हैव बीन फाइटिंग फॉर द पास्ट मेनी डेकेड्स। तो अगर आप देखें तो हमारे MOS होम जो है किरण रिजिजू, जब भोपाल के पास में 6 सेमी ऑपरेटिव्स की एनकाउंटर की लिंक कर दी गई, लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि इस देश में सबसे बुरी बात यह है, ये कल्चर खराब आ गया है कि लोग सवाल पूछते हैं। आप अथॉरिटी को अपना काम करने दीजिए, सवाल आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा शासन देंगे। वॉट सॉर्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट एंड वॉट काइंड of a signal does that send out? And this is not just by any one person. We've seen this happening across the board, which really gives out the signal that the government is not interested in either encouraging or protecting people who are questioning the government, asking inconvenient questions, और जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और जो गलत करने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सूचना के अधिकार कानून के रूल्स को बदलने की कोशिश की सरकार ने पिछले साल, और उन रूल्स में अगर आप देखें तो जो दो सबसे घबराने वाली जो क्लॉजेस थे, एक क्लॉज है कि अब अगर आप चाहें तो आप अपनी अपील कमीशन से वापस ले सकते हैं। अभी तक जब लोगों को धमकाया जाता था और कहा जाता था आप अपना केस वापस लीजिए, तो लोग कहते थे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप हम पे अटैक करके क्या करेंगे, अब तो केस गया, अब तो अपील चली गई कमीशन में। सरकार ने रूल्स बनाए कि अगर आप चाहें तो आप अपना केस वापस ले सकते हैं, तो उसका मतलब तो ये है यू आर लीविंग द डोर ओपन फॉर पीपल टू प्रेशराइज यू कि आप जाइए और अपना केस वापस लीजिए। दूसरी चीज़ जो उससे भी खतरनाक है, लिखा गया कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो केस बंद हो जाएगा कमीशन में। दिस इज प्रोवाइडिंग अ परवर्स इंसेंटिव बिकॉज यू आर बेसिकली सेइंग दैट इफ आई एम आस्किंग फॉर इनकन्वीनियंट इन्फॉर्मेशन एंड आई गो अप टू द कमीशन, अगर मेरी हत्या हो जाएगी तो फिर मेरा केस भी नहीं सुना जाएगा, मतलब एक तो मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, ऊपर से इवन दैट केस विल नॉट बी हर्ड एंड टेकन फॉरवर्ड। द गवर्नमेंट लाइक आई सेड हैज नॉट इम्प्लीमेंटेड द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ। जो पूरी डिमांड थी लोकपाल की, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून की और ग्रीवेंस रिड्रेस लॉ की, वो इसीलिए थी क्योंकि RTIs को अगर आप देखें और एनालाइज करें तो ज़्यादातर RTIs लोगों की ऐसे अधिकारों के बारे में हैं जो कि उनको वैसे ही मिलने चाहिए थे, नहीं मिल रहे, देन देर शुड हैव बीन अ प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म जिससे कि उन्हें और घूमना नहीं पड़े, वो जाके शिकायत करें, शिकायत ठंडे बक्से में न जाए और उसके ऊपर तुरंत काम हो भ्रष्टाचार रुके।
और अगर कोई बड़ा भ्रष्टाचार लेके जाते हैं, एक्सपोज करते हैं, वो चाहे 2G हो, चाहे आदर्श स्कैम हो, चाहे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, तो उसके ऊपर, और करप्शन हो, तो उसके ऊपर फटाफट एक फेयर एंड इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इसलिए लोकपाल की भी डिमांड थी। लोकपाल भी आज 4 साल हो गए और उसके अंदर एक भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। तो एक फ्रस्ट्रेशन जो आरटीआई एक्टिविस्ट्स को रहती है कि हम तो इतना जोखिम मोल लेके वी गो एंड फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, देन वी यूज इट टू फाइल कंप्लेंट्स एंड देन नथिंग हैपन्स ऑन दोज कंप्लेंट्स रिमेन्स टुडे एज वेल, बिकॉज जो भी सरकार आती है उनके जो पोलिटिकल अपोनेंट्स हैं सडनली उनके केसेस बढ़ने लगते हैं और अपने केसेस दबने लगते हैं। सो दैट इज रियली द वे इन विच करप्शन एंड मैनी अदर काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेज आर ऑल्सो बींग टैकल्ड विद इन आर कंट्री, एंड आई थिंक दैट नन ऑफ दैट हैज seen any improvement in the current context if we look at the current government. And there was the grievance redress law which was brought into parliament, which would have helped a lot of people who are today being attacked, has not been reintroduced. There was a promise by the current government that pichli bar jab kanoon ko, bill ko पार्लियामेंट में रखा गया था, वो लैप्स हो गया था क्योंकि इलेक्शंस आ गए थे, तो हम इसको वापस लाएंगे। ये लोगों के सशक्तिकरण का कानून था और उसको भी वापस अभी नहीं लागू किया गया है। सो आई विल स्टॉप माय प्रेजेंटेशन हियर। एक्चुअली जस्ट वन लास्ट थिंग, आई थिंक व्हाट वी नीडेड टू डू वाज टू सी इंफॉर्मेशन कमीशंस बीइंग स्ट्रेंथन्ड, देयर हैंड्स बीइंग स्ट्रेंथन्ड, बिकॉज दे हैव द पावर टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स। लेकिन हमने देखा है दैट रिसेंटली देर आर अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू द आरटीआई लॉ विच एक्चुअली विल कॉम्प्रोमाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, और मुझे लगता है कि ये भी हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।